नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, नजर उसके पहले हेडलाइंस पर। प्रदेश में कोरोना दे चुका है तीसरे लहर की दस्तक, संक्रमण से लड़ने में स्वास्थ्य विभाग हो रहा मजबूर। मुख्यमंत्री ने 6 PSA प्लांट का किया शुभारंभ। सीएम ने किया 208 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, बिलासपुर में जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस पर साधा निशाना। रिज मैदान में बीजेपी का मौन धारण प्रदर्शन, पंजाब सरकार के खिलाफ किया धरना, चन्नी सरकार पर साधा निशाना। महामारी को लेकर लिया गया फैसला, चेकअप से पहले मरीज का होगा कोरोना टेस्ट, ओपीडी में जाने से पहले पर्ची काउंटर पर किया जाएगा टेस्ट। और हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, नहीं होंगे डॉक्टर के तबादले, समाज योजन पर बढ़ते कोरोना के मद्देनजर लगाई गई रोक। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। कोविड महामारी से बचने के लिए सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है और इस दौरान क्रम में मुख्यमंत्री ने शिमला में पीटर हॉफ से प्रदेश के मिशन दृष्ट स्कूल वेलनेस और टीवी बचाव थेरेपी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नाहन में एक सिटी स्कैन मशीन और एक डिजिटल एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने 6 PSA प्लांट का शुभारंभ किया है जिसमें कोविड संक्रमण से लड़ने में स्वास्थ्य विभाग को मजबूती मिला है। साथ ही मुख्यमंत्री ने मिशन दृष्ट का शुभारंभ किया जिसमें माध्यम से 6 से 12वीं तक के छात्रों को आंखों का चेकअप होगा और मुफ्त में चश्मे बांटे जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत कर बताया कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर रही है और उन्होंने बताया कि प्रदेश में जिस प्रकार से पिछले तीन दिनों से कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है उससे यह स्पष्ट है कि प्रदेश में कोरोना के तीसरे लहर ने दस्तक दे चुकी है। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ये कोविड का जब दौर शुरू हुआ पिछले 2 सालों से और जो पीएसए प्लांट का जो लगाने का काम हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है लगभग 1.25 साल से, आप अंदाजा लगाइए 2 प्लांट हिमाचल प्रदेश में थे, एक आईजीएमसी शिमला में था, दूसरा टांडा मेडिकल कॉलेज में था। आज हमारे पास 41 ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में, और जो हालात कोविड के हैं थर्ड मतलब ये एक तरह का तीसरी लहर का जिक्र कर रहे हैं और नए वेरिएंट हमारे सामने हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका संक्रमण बहुत तेज है, फास्ट है, तो ऐसी सूरत में हमारी तैयारी उस तरह से होनी चाहिए। इसलिए एक तो पीएसए प्लांट का हमने अच्छा हिमाचल प्रदेश में काम करते हुए 41 तक हम पहुंचे हैं, ऑक्सीजन की कमी ना हो इस बात को सुनिश्चित किया है। दूसरा, 2 जगह सीटी स्कैन जो लग करके तैयार हुए थे उनको समर्पित किया, चंबा मेडिकल कॉलेज में और नाहन मेडिकल कॉलेज में। आईजीएमसी शिमला में भी हम बहुत जल्दी जो है वो पैट स्कैन के लिए जो हमने कमिटमेंट की है उसकी फॉरेस्ट की क्लीयरेंसेज का इश्यू था, वो स्टेज 1 की क्लीयरेंस अभी तक हुई है लेकिन उसके बाद स्टेज 1 के बाद उसकी क्लीयरेंस जल्दी करने की कोशिश करेंगे और हम इस बात को एंश्योर करना चाहेंगे कि पैट स्कैन के लिए हिमाचल से बाहर जो जाना पड़ता है हमारे पेशेंट्स को वो स्थिति नहीं रहनी चाहिए, उनको ये सुविधा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में मिल सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में 208 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि एक दिन में 5 उद्घाटन, 19 शिलान्यास इतिहास की पहली बार बिलासपुर विस क्षेत्र में हुए हैं। साथ ही सीएम ने विधायक जेआर कटवाल के कार्यों की भी सराहना की है और उन्होंने कहा है कि बिलासपुर गर्म इलाका है, इसकी तासीर भी गर्म है, थोड़ी सी बात बिगड़ी तो संभालना मुश्किल हो जाता है। और सीएम ने कहा है कि हम पहाड़ी है, नाटी डालकर खुश हो जाते हैं लेकिन बिलासपुरी छिंज के बिना नहीं मानते। आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए इन 4 वर्षों में
एक समर्पित भाव के साथ काम करने का जज्बा और जुनून के साथ किया है। ऐसे हमारे भाई सुभाष ठाकुर जी, झंडूता विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक जो कभी अफसर थे अब आजकल नेता हैं। बात तो गलत है वैसे कि हमारी राजनीति में सब एनक्रोच करते हैं। कोई अभिनेता बनता है बाद में टिकट मांगता है, कोई अफसर बन जाता है तो बाद में टिकट मांगता है, और हम लोग कहीं नहीं जा सकते, हमें तो यही गुजारा करना पड़ता है। लेकिन ये सेवा के भाव के साथ उस वक्त भी काम करते थे जब अफसर थे, और उसी सेवा के भाव को आज भी हमने कायम रखा है। इस बात के लिए हमें प्रसन्नता है भाई कटवाल, गीतराम कटवाल जी। हमारे बीच में हमारे बड़े पुराने जमाने के साथी, जब राजनीति में ना हमने सोचा था जाने का ना इन्होंने सोचा था, हम एक दरी पर सोते रहे, वर्षों तक काम करते रहे, पूर्व में विधायक रहे, और अभी हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारा आपदा प्रबंधन बोर्ड है उसके उपाध्यक्ष के नाते भाई रणधीर शर्मा जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, और जिनके पास राजनीतिक सलाहकार का भी दायित्व है और लोकसभा के प्रभारी भी हैं। शिमला के रिंज मैदान में बीजेपी प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर की अध्यक्षता में कांग्रेस और पंजाब सरकार के खिलाफ मौन धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर त्रिलोक कपूर ने कहा कि हमारे देश में एक अभूतपूर्ण स्थिति देखी है। पंजाब में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जिस तरह की भयावह और चौंकाने वाली चूक हुई है वे बेहद ही चौंकाने वाली और निंदनीय है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि कांग्रेस पार्टी उनके नेता नरेंद्र मोदी से नफरत करती है, और कहा कि जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार में उच्च अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की तो पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बात नहीं की। वहीं उन्होंने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। आज विशेष तौर पर हमारे डिस्ट्रिक्ट शिमला के माध्यम से आज इस धरना प्रदर्शन, मौन धरना प्रदर्शन में हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ साथी और हमारे नगर निगम के पार्षदगण, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे मौन धारणा का, जो मौन धारण के रूप में, यही प्रार्थना थी प्रभु से और महात्मा गांधी जी से कि कांग्रेस को सद्बुद्धि मिले। जिस तरीके से 5 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पंजाब प्रवास में अपने उस दौरे को लेकर वहां पर लगभग 50,000 से भी ज्यादा बहुयामी योजनाओं का शिलान्यास करने वाले थे, और उसके साथ जो हमारे राष्ट्र भगत शहीद भगत सिंह और अन्य जो हमारे देशभक्त, उनकी श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम था। लेकिन जिस तरीके से पंजाब की नलायक सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जो व्यवहार किया है वो बेहद शर्मनाक है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में चेकअप से पहले कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही ओपीडी में जाने से पहले मरीजों को पर्ची काउंटर पर ही रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना होगा। आपको बता दें कि जिला में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते यह फैसला लिया गया है, जिससे मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में स्टाफ और डॉक्टरों का भी महामारी से बचाव हो सके। ऐसे में अब जिला के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में अब ओपीडी के चेकअप से पहले मरीजों को कोरोना टेस्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि शुरुआती चरण में कुछ ओपीडी में मरीजों को बिना कोरोना टेस्टिंग के भी अनुमति दी जा रही थी। वहीं मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमेश चौहान ने बताया कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हमीरपुर में कोरोना के टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में एनआईटी हमीरपुर में
अधिक विद्यार्थी संक्रमित पाए गए हैं और जिला में भी अधिक मामले सामने आ रहे हैं। एहतियात कदम उठाते हुए टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया है। मामले जो हैं बढ़ रहे हैं, जैसे आपको पता है कि एनआईटी में एक क्लस्टर में कुछ काफी ज्यादा बच्चे जो हैं पॉजिटिव आए हैं। इसकी वजह से हमने एहतियातन जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है वो बढ़ा दी है। रैट और आरटीपीसीआर के टेस्ट ज्यादा मात्रा में ज्यादा पेशेंट्स के किए जा रहे हैं। इसमें ईएनटी, मेडिसिन और कुछ ऐसे रिलेटेड ब्रांचेज जैसे आई हैं, इनमें जो पेशेंट्स हैं इनमें मैक्सिमम पेशेंट्स के हम टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद ही हम डॉक्टर्स के पास उनको भेजे जा रहे हैं। आजकल पेशेंट्स का नंबर थोड़ा सा बढ़ रहा है। वैसे तो हमने जो सिक्योरिटी, हमारी जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए उनको कहा गया है और वो कर भी रहे हैं, बट इसमें आम जनता को भी सहयोग करना होगा क्योंकि उनको भी समझना होगा कि अगर वो समझेंगे तभी हम इस कोरोना को कंट्रोल कर पाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने डॉक्टर, नर्सों और फार्मासिस्टों के तबादले पर फिर से रोक लगा दी है। जब तक कोरोना के मामले कम नहीं होते समायोजन भी नहीं होगा और विशेष परिस्थितियों में भी कर्मचारियों को इधर से उधर किया जा सकेगा, कोरोना का काबू किया जा सके, इसको लेकर सरकार निर्देश के साथ स्वास्थ्य विभाग ने फील्ड के 6,000 कर्मियों की तैनाती की है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में गाड़ी पर पत्थर गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि नूरपुर से बनीखेत की तरफ से जा रही थी, वहीं रास्ते में अचानक पहाड़ी से ये बड़ा पत्थर कार पर गिर गया। कार में बैठे 3 लोग में से 2 लोग घायल हो गए हैं और एक की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि घायलों का उपचार सिविल अस्पताल डलहौजी रेफर किया गया है। वहीं एसएसपी विनोद कुमार धीमान ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। चलिए हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।